हाँ तो क्या हाल है जनता, व्हाट्सअप। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ना कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊंगा। भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगी थी यार सनस्क्रीन, वो भी स्प्रे वाली। इसको कैसे यूज़ करना है और कौन सी स्प्रे है जो मैं जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी के बारे में और उसको कैसे आपको अप्लाई करना है। यार सनस्क्रीन स्प्रे वाली बहुत इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा, आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। बाकी यार इधर इंस्टाग्राम आ रहा होगा, जल्दी से फॉलो करो, वहां डीएम या मैसेज करके मुझे आप बता सकते हैं कि आपको और क्या वीडियोस चाहिए। तो करते हैं शुरू। तो देखो ये सनस्क्रीन है वाओ स्किन साइंस की, भाई स्प्रे वाली सनस्क्रीन है। इसमें ना रेसबेरी एक्सट्रैक्ट्स मिल रहे हैं जो ना रिच होते हैं विटामिन सी में, और उसके साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी है जो ना हमारी स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करेंगी। और इसमें ना कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट्स भी है जिसमें विटामिन ए भी होता है और विटामिन ई भी होता है, वो ना हमारे स्किन को नरिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसमें ना एवोकाडो ऑयल भी है जो ना रिच है एसेंशियल फैटी एसिड्स के लिए, क्योंकि अगर आपको फाइन लाइंस है ना उसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर इसके यूसेज की बात की जाए भाई बहुत आसान है इसको यूज करना, आपको एक बारी मैं यूज करके बताता हूँ। देखो ये बॉटल है और ये 100 ml की बॉटल है, 100 ml की बॉटल है। इसका मैंने अच्छे से ढक्कन को पहले खोल लेता हूँ, भाई ये ढक्कन खुल गया। ये आपको स्प्रे करनी है आपके फेस पर, और इसको अप्लाई कब करना है पहले वो बता देता हूँ। आप जब भी अपनी स्किन केयर रूटीन पूरी कर लोगे घर से 20 मिनट्स पहले, जब भी आप घर से 20 से 30 मिनट्स पहले आपको ये सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। और करनी कैसे वो बताऊँ, देखो आपको बस ये स्प्रे होगी, अब मैं मसाज करूंगा अच्छे से। देखो कितनी मस्ती चीज है ना सनस्क्रीन स्प्रे करके अच्छे से, और ये वाटरी फॉर्म में है, बहुत जल्दी मैं बोलता हूँ अब्जॉर्ब भी हो रही है स्किन पे। एक बार ये अप्लाई करके आपको बताऊं कैसे अब्जॉर्ब होगी। देखो आप इसको नेक पे अप्लाई कर लो, अपने आर्म्स पे करनी है तो आर्म्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, जो टू व्हीलर्स चलाते हैं उनके लिए तो बढ़िया चीज है और जल्दी यूज हो जाएगी। हाँ यार सच में यार, ये देखो आपके सामने अप्लाई करके पूरी स्किन पे अब्जॉर्ब हो गई है और बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो गई है। मुझे तो लग भी नहीं रहा कि मैंने कुछ अप्लाई भी किया है। नॉन स्टिकी है, ग्रीसी भी नहीं है। हाँ यार नॉन स्टिकी है, ग्रीसी भी नहीं लग रही, और सारे स्किन टाइप वाले इसको यूज भी कर सकते हैं, इसके पैकेज पे वो भी लिखा। और इसको अप्लाई करने से पहले आपको अच्छे से शेक करना होता है, जब आप शेक करोगे और उसके बाद ही अपने फेस पर अप्लाई करना। और एक और चीज बता दूं, आईज क्लोज करके आपको स्प्रे करना अपने फेस पर। अगर मैं इसको यूज करने के बाद का एक्सपीरियंस बताऊं ना, यार नॉन ऑयली लगी मुझे, नॉन स्टिकी है और पैची भी नहीं है। देखो इसको अप्लाई करने के बाद ये नहीं हो रहा कि पैच बन रहे हैं सनस्क्रीन के, क्योंकि कुछ सनस्क्रीन होती है जब आप अप्लाई करते हो ना उसके बाद पैच बन जाते हैं, ये पता भी नहीं लग रहा कि मैंने कुछ अप्लाई भी किया है। और एक चीज मैंने ना नोटिस की है, बहुत जल्दी ना स्किन पे स्प्रेड होगी है यार, अच्छे से स्प्रेड होगी और एक ना ट्रांसपेरेंट फिल्म बन गई है मेरे स्किन पर। और जो ट्रांसपेरेंट फिल्म बनी है ना वो प्रोटेक्ट करेगी आपको प्लूटेंट से और सन डैमेज से, कितनी बढ़िया चीज है ना यार। और स्प्रे है तो बहुत इजीली आप अप्लाई भी कर सकते हो और बहुत जल्दी अप्लाई कर लोगे। तो अगर मैं इसके क्वांटिटी की बात करूँ ना, ये 100 ml की बॉटल है, आप 6 से 7 मंथ्स तो बहुत इजिली निकाल ही लोगे। मैं तो 6 to 7 मंथ्स तो बड़ी आराम से निकाल लूंगा, क्योंकि जब भी आपको घर से बाहर जाना है 20 से 30 मिनट्स पहले इसको अप्लाई करना है। मैं अपनी आर्म्स पे भी अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि कभी मैं ना टू व्हीलर्स यूज करता हूँ तो बढ़िया होता है। और आप फेस और नेक पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, आराम से स्प्रे करो और मसाज करके अप्लाई कर दो। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं यार हमें सनस्क्रीन कौन सी यूज करनी चाहिए, तो भाई इसके तो पैकेज पे भी लिखा हुआ है ये पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, इसमें मिनरल ऑयल्स भी नहीं है। तो देखो ये इनकी वेबसाइट आ गई, आप वेबसाइट पे जाके कुछ भी अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। 50 SPF की मिल रही है और क्या चाहिए आपको, और सब कुछ आपको बता देंगे कि सनस्क्रीन कैसे अप्लाई करनी है, आप इनकी वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो। तो अगर आपका प्लान है कि आपको सनस्क्रीन परचेज करनी है तो भाई मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, और स्क्रीन पे व्यू प्रोडक्ट्स भी आ रहा होगा, आप उधर से भी बाय कर सकते हो ये सनस्क्रीन। तो चलिए यार ये वीडियो खत्म करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाकी यार एक और चीज भाई, डीएस बॉस को व्लॉग्स मेरा दूसरा चैनल भी है, आप जाके वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक होगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय।